आइए चलते हैं, पब्लिक है सब जानती है कि सेट पर, और जानते हैं हमारे सहयोगी विजय विश्वकर्मा आज क्या खास लेकर आए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन और मैं हूं आपके साथ विजय विश्वकर्मा। रीवा दर्शन की इस खास पेशकश ये पब्लिक है सब जानती है, आज हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी के टिकट की। वर्तमान में महज 50 दिन का वक्त है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अब तक टिकट की घोषणा नहीं की है। सारे प्रत्याशी जोर जुगत लगा रहे हैं कि आखिरकार कब टिकट की घोषणा हो और वो क्षेत्र में उतरे ताकि जनता के बीच पहुंच सके। आज इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएं, इसके पहले हम परिचय कराते हैं। हमारे साथ करंट अफेयर एडिटर हैं अनिल त्रिपाठी जी, नमस्कार, और साथ ही एक खास मेहमान जो कि सीधी जिले से आई हुई हैं श्यामवती जी। आप जो है धोनी विधानसभा क्षेत्र की संभावित प्रत्याशी मानी जा रही हैं और कांग्रेस में लंबे अरसे से काम कर रही हैं। आप जमीन से जुड़ी हुई नेता हैं और क्षेत्र में काफी दखल है आपकी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर। चर्चा को आगे बढ़ाएं, इसके पहले हम जानते हैं कि सीधी में धोनी विधानसभा की क्या है पृष्ठभूमि और क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी आपको अगर टिकट देती है तो किस तरह के हालात होंगे वहां पर और आपको ही टिकट क्यों दे, ये भी एक सवाल उसमें रहे। जी एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं 10 साल से काम कर रही हूँ, जमीन क्षेत्र में बनी रही हूँ, जनता के बीच में काम की हूँ और कहीं ना कहीं मैं जनता के बीच में जो दुख है उनकी जो समस्या है उनको कहीं ना कहीं से मैंने हल की है, उनको हमेशा दुख सुख में मैंने बीच में पहुंचती रहती हूँ। और इसी के साथ मैं विश्वास के साथ कह रही हूँ कि मैं विधानसभा सीट निकालूंगी, विधानसभा धमोनी से। आपके धमोनी में विधायक पिछले 10 साल 2 पंचवर्षीय से कुंवर सिंह जी हैं, उन्होंने उनके क्षेत्र में उन्होंने क्या विकास किया, लोगों की नाराजगी उनके प्रति क्यों है, कांग्रेस के प्रति उनका उत्साह क्यों दिख रहा है, क्या दिखाई दे रहा है आपको? अभी वर्तमान विधायक जी माननीय कुंवर सिंह टेकाम जी हैं, तो काम तो अपने आप को बताते रहते हैं लेकिन सिर्फ कागजों में काम होती है लेकिन जनता के बीच में काम नहीं हो पाता। जो उनको चाहिए उनके तक समस्या जो समस्या है वो नहीं पहुंच पा रही है। मैं यहां पर दर्शकों को बताना चाहूंगा कि श्यामवती जी जिला पंचायत और जनपद में काफी सक्रिय रही, उन्होंने राजनीतिक पृष्ठभूमि तो उनके परिवार की नहीं थी, बावजूद इसके उन्होंने काफी संघर्ष किया और क्षेत्र में अपनी पकड़ बनाई। किस तरह से आप राजनीति में कदम रखा आपने और क्या सोचकर क्या सुनहरे सपने देखे थे राजनीति में? मैं अपने क्षेत्र में हर जगह मैंने जाती थी लेकिन वहाँ की सबसे समस्या है कि शिक्षा का। हम लोग आदिवासी हैं, आदिवासी के शिक्षा की बहुत ही कमी वहाँ कम है। जी बिल्कुल, क्षेत्र में जिस तरह से अशिक्षित लोग हैं और अशिक्षित लोग हैं, नहीं पहुंच पा रही। आपके क्षेत्र में स्वास्थ्य की क्या स्थिति है? स्वास्थ्य भी नहीं है, स्वास्थ्य में बहुत कमजोर है वहाँ, और स्वास्थ्य के लिए 50 किलोमीटर से दूर आते हैं कुशमी ब्लॉक में दवा कराने के लिए। मेरे कुशमी ब्लॉक की मैं बात कर रही हूँ, वहाँ डॉक्टरों की कमी है, डॉक्टर सिर्फ एक डॉक्टर है और 2 नर्स हैं, अब इसके अलावा नहीं है वहाँ डॉक्टर। आपको शायद ये नहीं पता होगा पूरे मध्य प्रदेश में धोनी विधानसभा में कुपोषण के कई मामले आए, आपने क्या किया उस विषय में? उसके विषय में मैंने अपने क्षेत्र में धरना प्रदर्शन भी मैं की थी और कलेक्टर से भी बात की। मैंने बीजेपी की सरकार के कारण हमारे मांग पूरी नहीं हो पाई और कुपोषण वैसे ही बढ़ता गया। आप किस नेता की समर्थक मानी जाती हैं, क्योंकि आपके कांग्रेस में खेमेबाजी खूब है, कमलनाथ जी, सिंधिया जी, राहुल जी, तो कौन से नेता से आप समर्थन, किसका संरक्षण आपको प्राप्त है, किसकी दम पर आप टिकट मांग रहे हैं? मैं सिर्फ पार्टी के लिए काम कर रही हूँ, पार्टी को मैं चाहती हूँ कि मुझे टिकट दे, और मैं नेता तो मैं सबको मानती हूँ जितने हमारे राष्ट्रीय नेता हैं। अच्छा, मतलब कोई एक विशेष खास नेता नहीं है? एक विशेष खास नेता नहीं। चलिए, कांग्रेस पार्टी ने अभी हाल ही में 8 नामों पर मोहर लगा दी है और विंध्य क्षेत्र की इन 8 सीटों पर वो जल्द ही अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है। इन 8 विधानसभा सीटों पर हम चर्चा करेंगे, वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम लौटेंगे तो बताएंगे आपको किस तरह से विधानसभा 8 विधानसभाओं में इन विंध्य की 8 विधानसभाओं में प्रत्याशियों की घोषणा की प्लानिंग की जा रही है। ब्रेक के बाद फिर दर्शकों का एक बार स्वागत है। हम बात कर रहे थे विंध्य क्षेत्र की 8 विधानसभा सीटों की,
इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं सीधी जिले की उन दो विधानसभा सीटों की जहां पर कांग्रेस के पहले से पूर्व विधायक हैं, माफ करिएगा प्रत्याशी भी हैं और वो विधायक भी रह चुके हैं, वर्तमान में विधायक भी हैं। ऐसे चुरहट विधानसभा जहां पर अजय सिंह विधायक हैं और प्रत्याशियों की होड़ में पहला नाम उनका है। दूसरी विधानसभा सीट है सिहावल, जहां पर कमलेश्वर सिंह पटेल वर्तमान विधायक है और वो विधायक प्रत्याशियों की होड़ पर भी है। क्या लगता है कि ये दोनों प्रत्याशी किस तरह से क्षेत्र में उनकी पकड़ है और पुनः कांग्रेस पार्टी उनको रिपीट करना चाहती है, क्या लगता है कि इनकी छवि किस तरह से है क्षेत्र में? ये सिहावल की आप बात कर रहे हैं, तो सिहावल में कमलेश्वर पटेल जी ने अच्छा से काम किया जनता के बीच में, तो मुझे विश्वास है कि वो फिर से विधायक बन सकते हैं। अगर बात आप ठीक बोल रहे हैं, स्क्रीनिंग कमेटी में मैं आपको बता दूं, जो परसों बैठक हुई, कल फिर फाइनल मुहर लगने के लिए गई थी, इन केस नहीं हो पाया है, तो स्क्रीनिंग कमेटी में सीधी जिले से दो नाम फाइनल हो चुके हैं और मेरे ख्याल से कल तक उसमें मैं राहुल गांधी जी की मुहर भी लग जाएगी। ये दो नाम हैं, चुरहट विधायक और नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल और सिहावल के कमलेश्वर सिंह। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूँ, लगभग मध्य प्रदेश के जितने भी विधायक हैं जो सिटिंग MLAs हैं उनकी टिकट नहीं काट रही है कांग्रेस, उसमें मेरे ख्याल से दो नाम कटेंगे लेकिन वो दोनों नाम बिंदी के नहीं है। जी बिल्कुल, जिस तरह से चुरहट विधानसभा और सिहावल विधानसभा में दोनों नेताओं की पकड़ है, ये निश्चित माना जा रहा है कि फिर उनकी वापसी होगी और कांग्रेस की नैया को वही पार लगा सकते हैं। आप हमारे साथ जुड़ी, इसके लिए आपको शुक्रिया। आप हमारे साथ बने रहिए, वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बताएंगे रीवा जिले की चार विधानसभा सीटों की जहां पर प्रत्याशियों की घोषणा लगभग होनी तय है। ब्रेक के बाद पुनः दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे थे रीवा विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशियों की घोषणा की, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि रीवा विधानसभा में वर्तमान में भाजपा विधायक पिछले 3 बार से यहां पर परचम लहरा रहे हैं और एक कद्दावर नेता के रूप में उभर कर सामने आए हैं राजेंद्र शुक्ल। उनको घेरने के लिए कांग्रेस पार्टी ने यहां पर अभय मिश्र को टिकट देने की घोषणा लगभग तय कर दी है। अगर हम बात करें अभय मिश्र और राजेंद्र शुक्ल की, क्या मजबूत पक्ष होगा और क्या इनका कमजोर पहलू होगा जिस पर राजेंद्र शुक्ल को हराया जा सके? जी, सबसे पहले तो विजय जी मैं बताना चाहूंगा आपको कि स्क्रीनिंग कमेटी में सिंगल नाम अभय मिश्र जी का फाइनल कर दिया गया है। अब देखिए कांग्रेस में एक चीज तो ये मान के चलिए कि सिंबल अलॉटमेंट जब तक ना हो जाए तो कुछ नहीं कहा जा सकता कब इसमें फेरबदल हो जाए। आपको याद होगा पुष्पराज सिंह की टिकट नहीं आ पाई थी और निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा था, तो अभय मिश्र जी कांग्रेस के अभी स्क्रीनिंग कमेटी में शामिल हैं, सिंगल नाम जा चुका है। दूसरी ओर आपने जो कहा राजेंद्र शुक्ल जी के बारे में, तो राजेंद्र शुक्ल जी 2003 से लगातार विधायक हैं, मतलब उनको अजय योद्धा के रूप में भाजपा प्रचारित कर रही है। लेकिन राजनीति राजनीति होती है, राजनीति में उठापटक का दौर चलता रहता है, तो अजय योद्धा के रूप में उन्हें भाजपा में प्रचारित करना शुरू किया है। लेकिन अभय मिश्र के समर्थक भी कहते हैं कि अभय आज तक जहां से भी लड़े, जो भी चुनाव लड़ा, छोटा लड़ा हो या बड़ा लड़ा हो, शुरुआत की और फिर जिला पंचायत गए, विधायक भी बने और उन्होंने अब तक 3 चुनाव लड़े और तीनों में विजय हासिल की। देखिए रीवा का मुकाबला बहुत ही रोचक होने वाला है और जो चुनाव के 15 दिन होंगे तो पब्लिक जो है पल पल की खबर जानकारी लेने का प्रयास कर रही है। और अभय मिश्र वो व्यक्ति है कि एक बार पार्षदी का चुनाव लड़े थे तो उसमें पोलिंग तो ठीक है, सेम डे मतदान हुआ, पोलिंग के बाद रीपोल हुआ, रीपोल के बाद सी पोल भी हुआ, मतदान में वो गड़बड़ी और ये सब बर्दाश्त नहीं करते, तो इसलिए रोचक तो होगा मुकाबला, इतना मैं जरूर दावे के साथ कह सकता हूँ। बिल्कुल, अभी कांग्रेस की स्कैनिंग कमेटी ने जिन विधानसभा विंध की 8 विधानसभाओं की लगभग प्रत्याशियों की घोषणा करने की तैयारी कर रखी है, वहां पर सिंगल नाम है। हम आपको बताना चाहेंगे कि ऐसे प्रत्याशी हैं, कद्दावर नेता हैं, जिनके विरोध में कोई भी नहीं है, उन 8 विधानसभाओं की अगर हम बात करें तो कौन कौन सी विधानसभाएं हैं रीवा और सीधी जिले की? देखिए रीवा, सीधी और सतना जिले में 8 विधानसभाओं के कैंडिडेटों को स्क्रीनिंग कमेटी ने हरी झंडी दी है, जिसमें रीवा से पहला नाम है अभय मिश्र का और गुड़ विधायक है सुंदर लाल तिवारी का, तीसरा नाम है सुखेंद्र सिंह बन्ना जी का, चौथा, ये दोनों विधायक हैं इसलिए इनका नाम तो रहना स्वाभाविक है,
और अभय मिश्र जी चूंकि जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, इसलिए राहुल गांधी की टीम ने उनको अप्रोच किया है कि ये बेहतर कैंडिडेट हो सकते हैं। चौथा नाम आता है डॉक्टर अरुणा विवेक तिवारी का, जो पुराने पूर्व के प्रत्याशी थे विवेक तिवारी बाबला, ये श्रीनिवास तिवारी जी के पौत्र हैं और डॉक्टर अरुणा उनकी पौत्र वधु हैं। क्योंकि पिछला चुनाव विवेक तिवारी काफी कम मतों से हारे थे, लिहाजा इस बार पार्टी ने उनकी पत्नी का नाम आगे बढ़ाया है और स्क्रीनिंग कमेटी में सिंगल नाम ही है। बिल्कुल, अगर सीधे जिले की बात करें तो वहां पर तीन सीटें ऐसी हैं जहां पर लगभग प्रत्याशियों की घोषणा तय मानी जा रही है और वहां पर भी सिंगल नाम है। ऐसे विधानसभा सीटें नहीं, उसमें मैं बता दूं तीन सीटें नहीं है मेरी जानकारी में दो सीटें हैं जी। केवल चुरहट विधायक और नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल जी और सिहावल से वर्तमान विधायक कमलेश्वर पटेल जी। जी, मैं दर्शकों को यहाँ पर बताना चाहूंगा कि धोहनी विधानसभा सीट है जहाँ पर श्यामवती जी का नाम आगे बढ़ा है और सभी नेता उसके समर्थन में है कि श्यामवती को अगर टिकट वहां से दी जाती है तो निश्चित तौर पर ही वो कुंवर सिंह के टक्कर में होंगी और कुंवर सिंह को अगर टक्कर दे सकती है तो श्यामवती जी। जी जी जी, आपने सही जानकारी दी है और श्यामवती जी का नाम पैनल में है जी, स्क्रीनिंग कमेटी के पास है और ये नाम काफी चर्चाओं में है और हो सकता है कि श्यामवती जी को ही अंतिम रूप से कांग्रेस फाइनल करे। जी बिल्कुल, जिस तरह से विंध्य क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी जिन प्रत्याशियों पर अपना दावा आजमाना चाहती है वो निश्चित तौर पर कद्दावर है और उनकी क्षेत्र में पकड़ है। क्या लगता है कि जो आगामी चुनाव होगा वो दिलचस्प होगा? जी, मैं आपको यहाँ बता दूं सतना जिले में भी तीन नाम स्क्रीनिंग कमेटी ने सिंगल नाम पर उसने फाइनल कर दिया है और वो जैसे ही राहुल गांधी जी उसको हरी झंडी देंगे तो वैसे ही उसको ओपन कर दिया जाएगा। वो नाम है नागौद से यादवेंद्र सिंह जी का, जो वर्तमान में विधायक है। दूसरा नाम है नीलांशु चतुर्वेदी का, जिन्होंने उपचुनाव काफी मतों के अंतर से जीत हासिल की थी चित्रकूट विधानसभा। और तीसरा नाम है, सिंगल नाम है, मध्य प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष भी हैं, कांग्रेस के पुराने लीडर हैं और अमर पाटन क्षेत्र से विधायक हैं, मिस्टर राजेंद्र सिंह जी। तो ये तीन लोग वहां से भी फाइनल हो चुके हैं। कुल मिला के आठ नामों पर अंतिम मुहर लगना बाकी है। जो जानकारियां मिली हैं उसमें लगभग 100 सीटें हैं जिसपे मेरे ख्याल से 3 या 4 दिनों के भीतर उसको फाइनली तौर पर घोषित कर दिया जाएगा। चाहूंगा अनिल जी यहाँ पर कि आप दर्शकों को ये बताएं कि लगभग इन 100 सीटों की घोषणा कब तक हो पाएगी और क्या रुख लगता है कि कमलनाथ जी जिस तरह से क्षेत्र में दौड़ रहे हैं और वो चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा सीटें लेकर आए तो प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार और जनता के बीच जाने का मौका भी मिल सके। देखिए विजय जी, जो दिल्ली के सूत्र बता रहे हैं उन सूत्रों की बात अगर हम माने तो आप ये मान कर चलिए कि दशहरा के पहले या दशहरे के 1-2 दिन के आसपास इसी बीच में पूरे टिकटों का डिक्लेरेशन हो जाएगा। और कांग्रेस भी ये चाह रही है कि जो हमारी 100 टिकट जिन्हें फाइनल कर रहे हैं वो पहले से चुनाव प्रचार अभियान में जुट जाए, क्योंकि टिकट अगर लेट बटेगी, 2 तारीख से लेकर 9 तारीख तक फॉर्म भरने की डेट है, अगर उन दिनों में टिकट वितरण होता रहा तो वो कितने दिनों में प्रचार कहाँ करेंगे, कैसे जनता का समर्थन ले पाएंगे, ज्यादा जगह जा भी नहीं पाएंगे। इसलिए टारगेट में यह है कि 18 से 20 तारीख के बीच में इन टिकटों की घोषणा कर दी जाए। बिल्कुल, जैसा कि अभी आपने देखा कि विंध्य क्षेत्र की 8 सीटों की जिन प्रत्याशियों की घोषणा लगभग तय मानी जा रही है, उनके किस तरह से यहाँ पर राजनीतिक पृष्ठभूमि तैयार की और वो कितना क्षेत्र में सक्रिय रहे, वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। नए मुद्दे के साथ फिर होंगे हाजिर। आप देखते रहिए रीवा दर्शन। नमस्कार।